ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के सहायक महामंत्री और एनी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री के एल गुप्ता के नेतृत्व में रेलवे के निगमीकरण और निजीकरण के विरोध में सैकड़ों की संख्या में रेल कर्मचारियों की एक बाइक रैली यांत्रिक कारखाना और विभिन्न इकाइयों से चलकर महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया और अपना विचार रखा। इसके पश्चात कर्मचारियों ने एक प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और यूनिवर्सिटी चौराहे से महदीपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर महाप्रबंधक गेट के समक्ष निजीकरण और निगमीकरण का प्रतीकात्मक स्वरूप पुतला दहन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने रेलवे के निजीकरण के विरोध में नारेबाजी भी की। इस दौरान अतुल सिंह, एसपी सिंह, हरीश यादव, संजय पांडे, गुलाम संजीव कुमार चंद्र, मनोज कुमार मिश्र, बीआर प्रजापति, प्रवीण चौधरी, हेमंत शर्मा सहित सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गौरवपूर्णी संवाददाता से बात करते हुए प्रदीप धर दुबे ने कहा, झांसी की लक्ष्मी बाई है और लड़ाई यादगार करने का मन बनाई है। किससे कहा जाए अपना दर्द, ऑल इंडिया रेलवे में फेडरेशन के प्लास्टर होता है। रेल में हमारे मित्रों हमारी संख्या बहुत है। वापस लो, निजीकरण नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, वो आपके साथ रोड पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो भी उनको भी मजदूर यूनियन जिंदाबाद। प्रदीप धर दुबे, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी यानी रेलवे मजदूर यूनियन वर्किंग कमेटी AIR। निगमीकरण और निजीकरण के विरोध में रेल कर्मचारियों का यह महा रैली कारखाने के गेट से महाप्रबंधक के गेट तक आने का काम किया और भारत सरकार को बताने का काम किया कि 6 कारखाने आपने निगम को बेचा है, यह नहीं चलेगा। जिस देश ने भी निजीकरण का फार्मूला अपनाया है वह देश आज उसको वापस ले रहा है। रेल में निजीकरण 100 डेज का टारगेट जो भारत सरकार ने दिया है वह मजदूर विरोधी है, रेल विरोधी है। अगर भारत सरकार ने इसे वापस लेने का काम नहीं किया तो रेल कर्मचारी बिना किसी नोटिस के रेल का चक्का जाम करने के लिए बाध्य होगा। मांगे हमारी है कि रेल का निगमीकरण ना हो, रेल निगम के हाथ न बेची जाए, रेल का निजीकरण बंद करो। इससे देश की आर्थिक दशा चरमराएगी। भारतीय रेलवे केवल व्यावसायिक संगठन नहीं है, यह सामाजिक संगठन है। तमाम लोगों को, तमाम बुजुर्गों को तरह तरह की छूट भारतीय रेलवे देती है, दिव्यांगों को देती है, तीर्थयात्रियों को देती है, विद्यार्थियों को देती है। सेकंड लाइन की भारतीय फौज भारतीय रेलवे है। इस शरीर के नस की तरह से भारतीय रेल को बेचने का काम किया गया तो यह देश गुलामी की तरफ बढ़ेगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करना चाहते हैं कि इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए।